नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। आम आदमी पार्टी कुछ नया करने के लिए जानी जाती है। बात अगर रीवा की जाए तो आम आदमी पार्टी ने सबसे युवा प्रत्याशी को मैदान में उतारकर तमाम राजनीतिक दलों को चौंका दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रीवा जिले की गुड़ विधानसभा सीट। आम आदमी के प्रत्याशी यहां पर हैं प्रखर प्रताप सिंह की हम बात कर रहे हैं। उम्र बहुत कम, जज्बा बे इंतहा, आखिर हो भी क्यों ना। विदेश में अच्छी खासी नौकरी छोड़कर समाज सेवा के लिए अपने गृह ग्राम पहुंच चुके हैं। हमारी टीम ने उनसे पत्रकार वार्ता के दौरान क्या कुछ का सुना समझा, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रखर प्रताप सिंह है। मैं रायपुर करछुलियान का निवासी हूं और जैसा कि आप सब अब जान चुके होंगे कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे गुड़ विधानसभा 75 का प्रत्याशी बनाया है, तो सबसे पहले मैं केंद्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद कहता हूं और डॉक्टर संदीप पाठक जी एवं महोदया श्रीमती रानी अग्रवाल जी का तहे दिल से आभारी हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि गुड़ क्षेत्र मेरा घर है, वहां मेरा अधिकार है। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मेरे परिवार के बारे में, क्योंकि आप लोग कई लोग उस क्षेत्र से आते भी हैं और आपका अनुभव भी काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं संक्षिप्त में ये बात बताना चाहता हूँ कि मेरी राजनीति में ये जो कदम मैंने बढ़ाया है उसका रीज़न क्या है। मेरे बब्बा जी श्री निर्मल सिंह जी, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि पीढ़ियों से उनके मार्गदर्शन में मेरे परिवार ने जनसेवा एवं धर्म कार्यों में काफ़ी काम किया है, काफ़ी समय दिया है। हमारा परिवार गायत्री परिवार से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ है। मेरे बब्बा जी द्वारा कई नेत्र शिविर, नेत्र चिकित्सालय एवं गायत्री परिवार के लिए अश्वमेध यज्ञ जैसी चीज़ें की गई हैं। और मैं ये भी बता दूं कि राजनीति में मेरा हमारे परिवार का कोई अनुभव नहीं है, मगर राजनीति का मतलब ही होता है जनसेवा। और जनसेवा में हमारा परिवार में और जो बाबा जी के मार्गदर्शन में मैंने काफ़ी समय उनके साथ बिताया है और आज भी बिताता हूँ, तो जो मेरा ये कदम बढ़ाने का जो हौसला है वो सबसे पहले उन्हीं से आता है। यहाँ मौजूद हमारे ब्लॉक अध्यक्ष अनूप जी, नरेश त्रिपाठी जी, सक्रिय कार्यकर्ता अजय सिंह जी भी मौजूद हैं। प्रखर जी, आपने स्कूल से पढ़ाई की है जी, विदेशों में पढ़ाई की है जी, विदेशों में आपने नौकरी किया फिर जी, आपका अचानक कैसे इधर राजनीति की तरफ मुड़ गए आप? देखिए, आपका कहना सही है क्योंकि बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि ये अचानक है, मगर मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल भी अचानक नहीं है। 16-17 साल की उम्र से, जब 15 साल से मनुष्य के मस्तिष्क का पूरा विकास हो जाता है, और 16-17 साल की उम्र से मैं काफ़ी चीज़ें समझने लगा था। अपने बब्बा जी के साथ काफ़ी बार रायपुर करछुलियान और आसपास के क्षेत्र में रहता भी था। ये बात अलग है कि ईश्वर की कृपा थी कि मुझे अच्छी उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने का मौका मिला, मगर ये तैयारी काफ़ी समय से थी। मेरा जन्मदिन कुछ महीनों पहले ही बीता है, जिसमें एलिजिबिलिटी के तौर पर 25 साल की उम्र मेरी हुई है, और 25 साल की उम्र, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और भारत की नागरिकता आवश्यक होती है इस मंच में सामने आने के लिए, तो उसको पूरी करने की वजह से अभी मेरा चेहरा कैमरे के सामने है, मगर मेरा घर गुड़ विधानसभा ही है। तो उस मामले में मैं, ये कोई अचानक नहीं है,
काफ़ी समय से 25 साल की उम्र का बेसब्री से इंतज़ार था और आम आदमी पार्टी ने मेरा हाथ थामा है, हमारे संगठन ने मेरा हाथ थामा है और अब ये लड़ाई उन बच्चों के लिए है, उन नवयुवकों के लिए है, युवाओं के लिए है जिनको मेरे जैसी शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है, मेरे जैसे स्वास्थ्य, जैसे कि मुझे स्वास्थ्य का हमारे क्षेत्र में काफ़ी समस्याएं हैं, उन स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं के लिए हमारी लड़ाई है और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में हमारे जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनके संगठन के हम ये सिपाही हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम ये गुड़ के विकास की लड़ाई और संघर्ष, जो बदलाव का संघर्ष है, उसे आगे बढ़ाएंगे। देखिए, मैं प्रखर हूँ, ये आम आदमी पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है और मेरा उद्देश्य, जैसा कि मैंने कहा कि अगर सही तरीके से संचालन किया होता अभी के हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों से, तो क्या मुझे आज मेरी ज़रूरत भी ना पड़ती। मगर मुझ जैसे युवा पे अगर पार्टी ने भरोसा दिया है तो ये संगठनात्मक समीकरण से मुझे सबसे बातचीत करके मुझे आगे किया गया है। इसके पीछे काफ़ी विचारधाराएं रखी गई हैं, मेरी खुद की विचारधारा है कि मुझे किसी व्यक्ति विशेष की टिप्पणी के चक्रव्यूह में कभी नहीं पड़ना है क्योंकि वो हमेशा उद्देश्य से भटका देगा। देखिए, जैसा कि आपने प्रश्न किया कि मैंने क्या किया जनता के लिए, मैं उस क्षेत्र का बेटा हूँ, मेरा पैदाइश वहीं की है, संस्कार वहीं के हैं। अगर जिनको हमने अभी तक मौका दिया था, और मैं खुद मतदान करने वाला हूँ, मैं भी मौका, जैसे कि आप सब वहाँ गुड़ के लोग हैं, अगर उन्होंने मौका आपने दिया है तो वैसे मैंने और मेरे परिवार ने भी मौका दिया है। मगर जैसे कि मैंने कहा कि शर्म की बात है कि अगर बस संचालन कर दिया जाता, प्रबल इच्छा शक्ति रखी जाती, नीयत साफ रखी जाती, तो क्या पता आज मेरी यहाँ पे ज़रूरत भी ना होती। मैं भी अपनी प्लानिंग के तहत, जैसे सारे बच्चे करते हैं कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करता, अच्छी नौकरी करता और देश विदेश में अपने क्षेत्र का नाम रोशन करता, मगर अपनी पहचान से मैं कब तक दूर भाग सकता था। अगर मैं कहीं गया हूँ जहाँ पे मुझे विकास का असली एग्जाम्पल दिख रहा है और मेरा क्षेत्र उससे वंचित है, तो आप सबके मन में, अगर आप मेरी कुर्सी पे होते तो आज आपको भी ये टीस होती और तभी आप पत्रकारिता करते हैं और मुद्दे सामने रखते हैं, समस्याएं सामने रखते हैं सबके सामने। ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।